₹250 से स्टार्ट है, सिंगल बेड है, और क्वांटिटीयों में लेते हैं तो कुछ अलग रेट रहता होगा, राइट? 230 तक क्वांटिटी में रहता होगा। गेम छो कैसे हो, और फाइनली हम हैं मेरे बैक साइड में, बोर्ड देख के पता ही चल गया होगा, हम हैं हरियाणा पानीपत, पानीपत रेलवे स्टेशन पे। तो ये देख सकते हैं, अगर कोई भी हरियाणा पानीपत में आना जा चाहता है अगर होलसेल मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले आता है कि स्टे कहाँ करें। तो स्टे के लिए मैं बताया हूँ, ₹200 में एक दिन के लिए रूम मिलेगा, बने रहिए वीडियो। और यहाँ से आपको दिल्ली के लिए भी ट्रेन से भी आई थिंक समथिंग दो ढाई घंटे भी लग सकते हैं पानीपत आना है। और पानीपत क्यों आना है मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, पानीपत में कंबलों का और ब्लैंकेट काफ़ी कुछ आते हैं कि जो गर्म आइटम का यहाँ पे होलसेल का है, किसको बिजनेस करना है, रिटेल, एनीथिंग, कुछ भी लेना है वो भी आ सकता है। और बस से भी, यहाँ की बस की भी सुविधा है, दिल्ली से 94 किलोमीटर यहाँ पे हाईवे पे है, और हाईवे से स्टेशन आई थिंक 500 मीटर की दूरी पे है, ठीक है? तो आप 500 मीटर की दूरी पे है, तो आप चाहें तो दोनों भी चॉइस कर सकते हो। आई थिंक बस की सुविधा अच्छी है, बस बैक टू बैक है, ट्रेन का एक टाइमिंग रहता है, ठीक है? और फिर यहाँ से, और पानीपत अपने में भी थोड़ा सा हिस्ट्री है इसकी, ज़बरदस्त है, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ हर वक्त घुमाते रहता हूँ, लेकिन कुछ कभी कभी काम धंधे के भी बातें बता दिया करूँगा। वो है ये नहीं, ये तो है ही है यहाँ पे, लेकिन वो है बिजनेस की बातें, कुछ पैसा कमाया जाए, ठीक है? तो इसके लिए, अगर ये हरियाणा में है तो दिल्ली से करीब में है, तो ब्लैंकेट की मार्केट देखिए, आपको बताता हूँ सस्ते में क्या प्राइस है, कैसे है, क्या है, टोटल आपको कुछ ना इंफॉर्मेशन, कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बने रहो इस वीडियो में। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। हे केम चौक, कैसे हो? फाइनली मैं आ चुका हूँ हरियाणा पानीपत में, और पानीपत में अगर किसी को पानीपत में यहाँ पे फेमस क्या है वो आज हम बताने वाले हैं। और किसी को बिजनेस करना हो, या किसी को मतलब कंबल, कुछ भी कंबल का बिजनेस करना हो, ब्लैंकेट का, तो यहाँ पे चीपेस्ट प्राइस में आपको मिलता है, और पूरा हर जगह पे सप्लाई होता है। ये है एक मार्केट का नाम है जवाहरलाल कलेक्शन करके, एक यहाँ पे भी है और दूसरा वहाँ पे भी है। और इससे पहले यहाँ पे आने के लिए मैं सुविधा बता देता हूँ आपको, कि आप दिल्ली से 94 किलोमीटर है, आई थिंक आप बस से आओगे ना तो ₹100 के अराउंडिंग में लग जाएंगे, ₹100 में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। ट्रैवलिंग टाइम है, आप समझ लो कि 1-2 घंटे के अराउंडिंग में लग जाएंगे आपको दिल्ली से यहाँ पे, ठीक है? 2 घंटा कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, ट्रैफिक हो तो, इसकी वजह से 2 घंटा यहाँ पे हो जाते हैं, और आपको ₹100 के अराउंडिंग में आपको मिलेगा। और यहाँ से स्टेशन भी आई थिंक 10 मिनट की दूरी पे है, वो भी 1.5 से 2 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा। ये स्टार्टअप है, यहाँ से पूरा हब है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे यूपी दिल्ली और बिहार, काफ़ी जगह से लोग आके यहाँ पे जैसे क्वांटिटी में लोग ले आके सेल करते हैं यहाँ से हैं। और यहाँ पे हब है, आई थिंक यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरर होता है, करीब में आई थिंक नियर अबाउट में फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये यहाँ का तो प्राइस भी जल्दी ही जानने को मिलेगा आप लोगों को, पहले देख लो कुछ मार्केट दिखाया जाए, और मैं भी देख लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो ये पूरा है। क्या प्राइस है अंकल? ऐसे ये कितने से स्टार्ट हो रहा है जी? कितने से सब स्टार्ट है इसका? 250 स्टार्टिंग। और कितने बेड, डबल है कि सिंगल है? सिंगल है। तो गाइस ये सब ₹250 से स्टार्ट है, सिंगल बेड है, और क्वांटिटीयों में लेते हैं तो कुछ अलग रेट रहता होगा, राइट? 230 तक क्वांटिटी में रहता होगा जी, जी। और डबल बेड का क्या रहता है? डबल बेड का तो 500। हाँ, हैवी क्वालिटी में। तो गाइस इसमें क्या रहता है कि आप डबल बेड, सिंगल बेड और लेयर, उसका जो जैसा क्वालिटी रहता है ना उस पर डिपेंड रहता है, और बार्गेनिंग हो सकता है क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है? तो थोड़ा सा और दिखाते हैं, देखते हैं। बड़ी मार्केट आई थिंक वो स्टार्टिंग में टन में भी अच्छा था, तो मार्केट भी एक बार देख ही लो, मैं आया हूँ तो उस हिसाब से घूम ही लेते हैं, ठीक है? ये देखो भाई, ज़बरदस्त है। हाँ,
तो ये सो पानीपत है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। हरियाणा अगर दिल्ली आ रहे हो तो कोई भी आ सकता है, यहाँ से दूर है। ट्रेन भी, ट्रेन का भी यहाँ पे है ट्रेन का भी यहाँ पे यूज़ है, ट्रेन है, सुविधा है, अच्छी है। ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा भी यहाँ पे अच्छी है, अगर कोई, क्योंकि यहाँ पे देख ही सकते हो हर जगह के लिए माल सप्लाई होता है। ट्रांसपोर्टिंग के लिए सुविधा काफ़ी, आई थिंक मुझे लगता है कि कंबल ही मार्केट है पूरा, ब्लैंकेट ही ब्लैंकेट है। यहाँ भी काफ़ी सारी बड़ी दुकानें हैं, एक ये दुकान है काफ़ी, आई थिंक मुझे बड़ा दुकान लग रहा है। तो ये होलसेल रिटेल में लोग काफ़ी चीप प्राइस रेट में, तो चलिए मैं आपको रेट बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। देख लो क्या है, काफ़ी खूबसूरत है ये, कोई नहीं आप चालू रखो। क्या प्राइस है ये? 230 रुपये किलो है। और कितने किलो का होगा ये? है 2 किलो 200 ग्राम। दो, और कोई होलसेल अगर ज़्यादा में क्वांटिटी में लो, अगर क्वांटिटी है 215 प्लस GST 5%। हाँ, अगर समझ लो कि कोई 50-100-150 पीस लेता है, 215 प्लस GST 5%। और ये कितने किलो का पता है? ये 2 किलो 200 ग्राम। 2 किलो 200 ग्राम का है। और 200 कितना रुपया प्राइस में था? 230 रुपये, मतलब ऐसे एक दो पीस के जी। अगर बोरे बोरे लोगे 215 प्लस GST 5%। 215 रुपये किलो है और 5% GST है। और सिंगल के लिए भी अच्छा यार, 15 रुपया कोई उतना मैटर नहीं रखता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी शॉप है इनकी। और इसका भी रेट मैं पूछता हूँ, ये तो काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा लग रहा है मुझे। ये क्या है अंकल, इसका प्राइस सेम है? 250 होलसेल में? ये होलसेल आपको लगेगा 220 प्लस GST 5%। अच्छा ठीक है गाइस, 200 डबल बेड है ना, कितना किलो होगा ये? 64 ग्राम 6.5 किलो। 6.5 किलो, 6.5 किलो यानी समझ लीजिए कि 650-700 रुपये का राउंडिंग में होगा। नहीं, ये लगभग पड़ जाएगा 1600 के आसपास। 1600 के आसपास पड़ेगा ये गाइस, 1600 के आसपास है, डबल बेड है और 6.5 किलो का है। 300 ग्राम क्वालिटी है, लगभग 750 के आसपास बैठेगा। और ये क्या रिटेल में क्या बिकता होगा, क्या रेट में? 250 बताता है। नहीं नहीं नहीं, अदर दुकानों पे क्या रेट होगा? दुकानों तो इसमें बैग वैग डाल के 30 रेट में बेचते हैं, मतलब छोटी दुकानों में, दूसरे शहरों में बैग डाल दिया बढ़िया वाला, 150 वाला। अच्छा 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 अच्छा, तो गाइस वाकई काफ़ी खूबसूरत भी है, बढ़िया दिख रहा है, काफ़ी सॉफ्ट ही दिख रहा है ये। हाँ, देखते हैं थोड़ा और। तो वैरायटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, मुझे मन कर रहा है मैं लूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी इतना लगेज है ना कि मैं ले ही नहीं सकता हूँ। और आई थिंक डबल वेट में अच्छे लेयर में तुम्हें अगर 1600-1700 में मिल रहा है तो कोई ज़्यादा नहीं है वेट के ऊपर, यहाँ पे वेट के ही ऊपर मायने रखता है, ठीक है। जितना है ना टोटल वेट ही है। वेट ही है ये सबका भी रेट एक ही है कि अलग अलग है अंकल? वेट अलग अलग, रेट अलग अलग है कि एक ही है? ये वाला, हाँ ये वाला, ये देखिए ये भी काफी अच्छा है। अगर कोई यहाँ से, अच्छा अच्छा 230 से कितने किलो का होगा अंकल ये? 4 किलो। ये समझ लीजिए कि डबल बेड है ना, ये देखिए किसको वेट करते हैं कितना है ये देखिए 4 किलो में 100 ग्राम कम है, 4 किलो में 100 ग्राम कम है, तो यानी समझ लीजिए 4 4 800 900 के अराउंडिंग में है, 850-900 रुपये में ये मिल रहा है आपको, ठीक है। और इसी को अगर डिब्बे में पैकेजिंग में कर देते हैं तो रेट इसका बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 18 कपड़े हाँ, कैसे ऊपर वहाँ से थोड़ा दिखा, देख लेते हैं यहाँ पे
क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टोर है, देख सकते हैं बहुत बड़ा। मुझे तो आई थिंक बहुत बड़ी दुकान इनकी लग रही है। ये भी वेट के लिए क्या, वजन पे? ये भी क्या है इसका? ये आई थिंक सॉल होगा ना। इसका क्या प्राइस दे रहता होगा होलसेल के लिए? अब यही वाले दे देना एक से। अच्छा, ये डबल बेड है, मतलब बेड पे बिछाने के लिए। काफी यार, मतलब बहुत ही प्यारा पीस लग रहा है ये भी। कि इसकी एक्चुअली जो सिल्क का जो चीज़ है ना, जो जो अपने बेड शीट पे यूज़ करते हैं, तो वो भी उसके लिए काफ़ी बेहतरीन पीस है ये। हाँ, और देखिए इसका भी कलर कितना प्यारा कलर है। ये देखिए, ये देखिए डबल बेड है ना। हाँ हाँ जी जी जी, देखिए बहुत ही बेहतरीन लग रहा है ये। मेरा मन तो बहुत कुछ कर रहा है लेने को, लेकिन ले नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास लगेज ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, और कम्बल ही कम्बल है भाई, ये देखो। एक ये है, इनका ऊपर भी है काफी। ये देखिए भाई, इतना ऊपर भी इनका स्टॉक है, पूरा हर चीज मिलता है यहाँ पे इनके पास। यहाँ पे थोड़ा लगता है स्मॉल साइज वाला आइटम है। ये 12 भी वेट पे ही है? नहीं, 20 रेट वाले भी हैं। क्या प्राइस है अगर होलसेल में कोई लेने आ रहा है बाहर से? हाँ, उसके लिए क्या प्राइस लगता है सर? तो बहुत ही, वो तो क्वांटिटी बताएगा जैसे। हाँ, अराउंडिंग है कुछ, कोई 100 पीस 200 पीस लेने आया तो, क्योंकि कोई भी दुकानदार है तो 2-4 पीस तो बाहर से, बिहार से या कहीं लखनऊ से। क्वांटिटी का तो रेट ही है ना, तो हम होलसेल ही रेट रखते हैं यहाँ पे। हाँ, एक होलसेल रेट कहाँ है? हाँ, क्या है इधर का मार्केट रेट? बाबूजी जैसे अगर पीस रेट ले हुए ना, 100 रुपये 125 150 हर तरह की वरायटी। अच्छा, ऐसे ये इसका क्या प्राइस है? इसका ये 175 रुपये 175 का है, लेकिन ये होलसेल प्राइस में आप अलग रेट से ले सकते हो, क्योंकि हर कोई अभी बता नहीं सकता, हर आदमी नहीं बता सकता कि होलसेल में क्या है, क्योंकि कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है रेट में। कस्टमर यहाँ पे आके खुद विजिट करेगा तो उनसे बात करेगा, तो उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकता है। और क्या क्या है सर आपके पास यहाँ पे? भैया रजाई है, बेड शीट है, कॉटन की है सारी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टोटल होलसेल में मतलब आप लोग का कैसा है, मैन्युफैक्चरर क्या है, सीधा फैक्ट्री से आ रहा है आपका कि क्या? हाँ, आपका ही फैक्ट्री है, कैसा है? फैक्ट्री से ही है। और यहाँ पे मतलब पूरा सबसे ज्यादा कम्बल यहाँ पे बनता है? कम्बल तो बनता ही है, बनता भी है पानीपत में, ऐसी बात नहीं है। हाँ, 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 हाँ। और भाई हर चीज़ ये पानीपत की मैन्युफैक्चरिंग ही है जो आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सब पानीपत का ही फैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरर है। बराबर बता दिया, ठीक है, तो ऊपर नीचे हो जाता है। और ये दुकान जो मार्केट में, ये भी काफ़ी बड़ी दुकान है। और कहाँ गया भैया? आप यहाँ पे है, ये देखिए, ये मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी गर्म होगा। ये है बेटी बचाओ विवाह, ये दुकान का नाम है, काफ़ी बड़ी शॉप है। ये देखिए क्या प्राइस है अंकल ये सबका? 2000 का, क्या हिसाब से ये लोग कर देते हैं। ठीक है, और फाइनली तो चलते हैं अभी थोड़ा दूसरे जगह, टाइम कम है जैसे। और दुकान का नाम ये है, तो यहाँ भी आ सकते हो। काफ़ी सारी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन कुछ का सबसे ज़्यादा बड़ी है। हाँ, किसी का कैमरा हो रहा है भाई यूट्यूब पे। तो गाइस एक ये देख सकते, एक नॉर्मल जो रहता है
आई थिंक ये पतले में है, इसका कलर भी काफ़ी सारा आता है, इसमें कलर भी काफ़ी सारा आता है ना, एक ही सिंगल कलर रहता है, ये सिंगल कलर है इसमें। क्या प्राइस इसका बता? ये 65 रुपीस का है, देख सकते हैं होलसेल में अगर सेल करने के लिए। और लेकिन ये वाकई थोड़ा गर्म होता है, हाँ, अगर किसी को बहुत लोग जो रहते हैं कंबल किसी को बांटना है या कुछ करना है या कहीं अदर जगह पे रखना है सबसे कम रेट में तो ये भी है। और क्या क्या है आपके पास इससे ऊँचे रेंज में? इससे ऊपर जाएगा 72। कोई नहीं, तो इसमें काफ़ी सारी क्वालिटी है, 72 की भी है। अगर देखिए ये सब दुकानें यहाँ पे काफ़ी सारा रेंज है 72। और क्या क्या है आप थोड़ा बताइए। 95। हाँ ये पकड़िए इसको, इसको इसको लगाइए, ये बता देगा। बहत्तर रुपए, 95 रुपए, 105 रुपए, 140 रुपए। साइज के ऊपर साइज यही रहेगा सबका। हाँ जी। अच्छा, कई लोग ब्लैंकेट वेट पे भी दे रहे हैं, वो अलग है ना, अलग चीज है। बाई वेट पे ये भी आ जाएगा, जैसे आप थोक में लेते हो तो बाई वेट पे ये भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। 160 रुपए केजी ये है। अच्छा। और 175 रुपए। और कितना कितना पीस चढ़ता होगा, एक पीस या दो पीस? 400 ग्राम, ये 1 पीस का 400 ग्राम वेट। 400 ग्राम ये भी काफी जो है, ऐसे अगर बिजनेस किसी को करना है तो कर सकते हो, तो यहाँ पे आप आ सकते हो। बहुत बड़ी मार्केट है, मैं पूरा कवर जहाँ तक कोशिश करता हूँ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी एक्चुअल में जो 100% का रेट है ना वो आपको आने के बाद ही यहाँ पे होगा, क्योंकि जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी आपकी रेट की तो उस हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो जाएगा ना बस। हाँ, तो यहाँ पे आप खुद आओ, वीडियो के थ्रू एक मतलब सहारा बता दो कि हाँ यहाँ मिल जाता है, ऐसे है, लेकिन इस रेट से भी थोड़ा सा नीचे हो सकता है, क्वांटिटी आपको खुद ही विजिट करना पड़ेगा इमीडिएटली। ठीक है, ठीक है। काफ़ी बड़ी मार्केट है, ठीक है, और फिर यहाँ से आपकी हम टर्न ले रहे हैं, निकलते हैं। तो आई थिंक मार्केटों में हर जगह जहाँ पे लेडीज़ों का ज़्यादा गौर किया जाता है, लेडीज़ वेयर ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, लेडीज़ वेयर भी है यहाँ पे। और यहाँ का कुछ लोकल फूड वगैरह ये है, कुछ आलू को तलने वाला ऐसा कुछ है। और रेलवे स्टेशन, और ये वाला दिल्ली रोड है, दिल्ली हरियाणा के लिए ये सब रोड है, ये रोडवेज है ये सब वगैरह, तो यहाँ पे है, देख सकते हैं। आई थिंक ये भी 500 मीटर की दूरी पे है हाईवे से, स्टेशन 500 मीटर की दूरी पे है, तो कुछ मार्केट एरिया है ये भी। तो आप ट्रेन से भी, और ट्रेन से या बस से जैसे आना चाहो आप विज़िट कर सकते हो। और फिर इसके बाद, इस वीडियो के बाद पता ये भी चलेगा, अभी आपको और भी कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। और सोनीपत की लड़ाई आपको पता ही है, क्या सीन था क्या नहीं था वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये अगर कोई पानीपत में आता है और रुकने के लिए सस्ते में चीपेस्ट प्राइस में, तो ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। रेलवे स्टेशन से आपको, रेलवे स्टेशन से ये एक धर्मशाला है यहाँ पे, ला हरी राम तोता राम करके है, तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे 200 रुपये पर मैन का है, तो आई थिंक ज़्यादा कुछ हाईएस्ट नहीं है, सही है। तो यहाँ पे एक आपको रहने के लिए, मैंने चीपेस्ट प्राइस में रहने के लिए जगह भी बता दिया, ठीक है। चलते चलते मुझे मिल गया था, लेकिन इज़ बेटर कि होटल से भी सस्ता आपको यहाँ पे 200 रुपये में, 10 बजे का चेकआउट टाइम है, जैसे मैं दिल्ली में गया था तो 10 बजे का चेकआउट टाइम है मॉर्निंग में, तो ठीक ही है यार, होटल में 500, 800, 1000 पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे आप, अगर आपका आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, तो आधार कार्ड रखिए, जितने लोग हैं परसेंट उसके, पर परसेंट पे आधार कार्ड लगेगा, पर परसेंट 200 रुपया चार्ज है, ठीक है, ओके, बने रहिए।